नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में। आज हम मंडी में यहाँ जो आवक है गेहूं की, उसके बारे में जानकारी करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार मंडी के अंदर गेहूं और सरसों की आवक बनी हुई है। हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह मंडी के अंदर आज गेहूं की आवक है और क्या भाव मंडी के अंदर चल रहा है। सबसे पहले तो आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है सर। नमस्कार सर, आज मंडी के अंदर कितनी गेहूं की आवक है और क्या भाव है? गेहूं की आवक दिन पे दिन कम होती जा रही है। 500 कट्टे की 700 कट्टे की अराइवल थी और 2,250 रुपये का भाव था। तो अभी फिलहाल क्या बोलते हैं, आज कितनी गेहूं आए मंडी के अंदर? देखिए, आज सोमवार का दिन था। हमारे यहाँ जनरली अलवर में सोमवार के दिन अराइवल ठीक रहती है, शनिवार के बनस्पति और किसी दिन बनस्पति, तो आज तो फिर भी ठीक था। आशा 700-800 कट्टे करीब बैठ जाएंगे, अदरवाइज डेली की जो एवरेज आ रही है वो 500-600 कट्टे की आने लग गई है। जब मंडी के अंदर शुरुआत हुई थी गेहूँ की जी, तो उस टाइम भाव क्या हुआ करते थे? देखिए, अगर देखे शुरुआत में 2,250 रुपये करीब का ये भाव स्टार्ट हुआ था इस सीजन का, जो अब आज 100 रुपये की बढ़त के साथ 2,250 के आसपास का व्यापार चल रहा है। तो अभी मंडी के अंदर अगर एमएसपी की बात करें तो 2,400 रुपये क्विंटल के हिसाब से एमएसपी है। अभी भी देखिए 2,400 रुपये की एमएसपी है, तो अभी गैप है इसमें, अभी भी गुंजाइश है। और जिस हिसाब से अराइवल हो रही है तो मेरे ख्याल से डिमांड के हिसाब से बाजार और तेज होने चाहिए। तो आगे आपको किस तरह की उम्मीद नजर आ रही है कि आगे भाव जो है गेहूँ के बढ़ने वाले हैं या कम रहेंगे? इस वर्ष गेहूँ के भाव बढ़ने चाहिए जो नजर आता है अभी, तो मतलब इसमें और गुंजाइश है, 200-300 रुपये की तेजी की कम से कम गुंजाइश है। मतलब ये मंडिया 2,600 रुपये करीब हो जानी चाहिए। तो अभी अगर अपन गेहूँ के उत्पादन की बात करें तो कितना उत्पादन अपन मानते हैं कि राजस्थान में, प्रदेश में कितना उत्पादन और मंडी में कितना आ रहा है? देखिए, मंडी राजस्थान का जो उत्पादन रहा है उसके हिसाब से काफ़ी तो प्रक्योर हो गया है सरकारी उसमें, और देश में ओवरऑल अच्छा प्रिक्योर हुआ है। गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी गया है और मंडियों में भी काफ़ी आया है, लेकिन अब किसान के पास जिसके पास है वो अभी थोड़ा भाव देखकर ही बाजार में लाएगा। जिसने अपने घर में रख लिए हैं वो रख लिए हैं, वो अभी नहीं आएंगे, क्यों वो थोड़ा रुक कर आएंगे। अभी जी, अभी अगर अपन बात करें तो जैसा कि अब आगे चुनाव हो चुके हैं, सरकारी भी बनने वाली है, तो सरकार से क्या मांग करते हैं कि गेहूँ के अंदर क्या नया कुछ होना चाहिए अपडेट? देखिए, गवर्नमेंट का इसमें बेसिकली क्या है, हर साल गवर्नमेंट का सीधा हिसाब ये रहता था कि प्रिक्योर कर लिया और समय समय पे टेंडर दे दिया। अगर तेजी रोकनी है तो इनको समय समय पे टेंडर दोबारा देने होंगे जैसे पिछले वर्ष दिए थे, पर स्थिति प्रैक्टिकल देखा जाए तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि इतना माल नहीं है गवर्नमेंट के पास भी कि सबकी पूर्ति हो जाए। तो ऐसा लगता है कि टेंडर्स भी ऊँचे जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर टेंडर करीबन 2,250-2,300 के आसपास के टेंडर गए थे, तो इस साल मेरे ख्याल से 2,500 रुपये करीब के जाने चाहिए मिनिमम। मंडी के अंदर ग्रेडिंग वाला गेहूँ भी है तो उसकी क्या कॉस्ट है? देखिए, ग्रेडिंग गेहूँ तो अगर लोकल की बात करें तो ग्रेडिंग गेहूँ भी आता है जो मशीन क्लीन है, वो कोटा वगैरह से भी आ जाते हैं, एमपी के भी आ जाते हैं, जगह जगह प्रदेश से आ जाते हैं, तो उसकी डिमांड भी अच्छी है। अभी तक भी लोगों ने खाने पीने वाले ले ही रहे हैं गेहूँ, तो रेगुलर आता रहता है गेहूँ। अभी मंडी के अंदर जो गेहूँ आ रहा है किस तरह की क्वालिटी में आ रहा है, कैसा आ रहा है? ठीक है, क्वालिटी इस वर्ष ठीक है, इस साल क्वालिटी में कमजोरी नहीं है, गेहूँ ठीक चल रहा है, क्वालिटी ओवरऑल ठीक ही आई है। लास्ट ईयर के बनस्पत क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यील्ड अच्छा है और ओवरऑल अच्छा माल बैठे। अपन पिछले साल की तुलना में अगर अपन जाते हैं तो पिछले साल कितनी गेहूँ की बोरियाँ जो है वो मंडी में पहुँची थी और किस तरह की क्वालिटी हुआ करती थी? देखिए, लास्ट ईयर क्वालिटी काफ़ी कम थी और उसके हिसाब से देखिए अराइवल अब तक तो जितना गेहूँ लास्ट ईयर मंडी में आया उतना ही अब तक चल रहा है, लेकिन अगर हम देखें हर साल का ये ट्रेंड है कि अब धीरे धीरे अराइवल कम हो जाएंगी तो धीरे धीरे बाजारों को सुधरना ही पड़ेगा। देखिए, डिमांड सप्लाई का खेल है। अच्छा, गवर्नमेंट अभी बिकवाली में आएगी, गवर्नमेंट बिकवाली में आएगी बरसातों के बाद, जब वो पूरी फसल देख लेगी कि कैसी बुआई हुई है, क्या पोजीशन आई है, फिर गवर्नमेंट बिकवाली में आएगी। अभी जैसे गेहूँ मंडी के अंदर आ रहा है तो व्यापारी भी स्टॉक कर रहा है या जो बीलर है वो भी स्टॉक कर रहे हैं? स्टॉक किया है बट इतना भी नहीं है स्टॉक की सबकी पूर्ति हो जाए, स्टॉक लिमिटेड है, चाहे प्राइवेट कह लो चाहे गवर्नमेंट के पास कह लो, बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है गेहूँ का, क्योंकि लास्ट ईयर की पाइपलाइन बिल्कुल खाली थी, तो इस साल जो भी प्रोडक्शन हुआ सारा चला गया।
हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी थे, उन्होंने हमारे को यहाँ गेहूँ के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो लगातार जो गेहूँ की जो आवक लगातार पहले हो रही थी वो अब आवक बिल्कुल कम है, लेकिन आगामी दिनों में कुछ भाव बढ़ने की उम्मीद जो गेहूँ के अंदर नजर आ रही है, तो देखते हैं कि आगे किस तरह भाव गेहूँ के अंदर बढ़ते हैं। नितिन शर्मा, अलवर।